हेलो गाइस, वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देखिए, ये मेरे पास 151 का पावर सप्लाई है, बट आप कौन सा भी रहेगा, 151 हो गया, 215 हो गया, 350, अदर भी जितने भी पावर सप्लाई रहेंगे उसमें आपको समझो 32 वोल्ट मिसिंग हो रहा है, तो आपको कैसे चेक करना है और कैसे रिपेयरिंग करना है। एटलीस्ट समझ लो तो ये एचटीआर ख़राब ही रहता है ज़्यादातर, बट आगे आपको नहीं भी आ रहा तो आपको कैसे चेक करना है कि 32 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको सप्लाई चेक करनी है। आप समझ लो मीटर यहाँ पे रख दिया मैंने, अभी पावर ऑन कर दिया। पावर ऑन करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ये, अब देखिए यहाँ पे सप्लाई 320 वोल्ट, मतलब मैंने प्रोड उल्टा लगाया इसलिए माइनस वो करा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक ब्लैक वाला ग्राउंड रखना है, आप इसका ग्राउंड रख सकते हो, ये कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर का ग्राउंड हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पे जाकर देखिए, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर के ये वाले पिन पे आप देखोगे तो यहाँ पे 20 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब देखो 20 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 18 वोल्ट आ रहा है, ठीक। और ये साइड में भी सप्लाई आ रही है 18 वोल्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट कर देना है। लाइक समझ लो मैंने अभी चालू ही है पावर, एंड पावर बंद कर देता हूँ पहले, और आपको सप्लाई भी चेक करके दिखा देता हूँ कि सप्लाई नहीं आ रहा है। नहीं तो आप 32 वोल्ट आप समझ लो, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, देखिए एक ये कैपेसिटर का हो गया और एक ये, देखिए वहाँ पे 00 शो कर रहा है, ठीक है, देख लीजिए वहाँ पे 00 शो कर रहा है, पावर ऑन है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, 322-23 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। मैं पावर बंद करता हूँ, पावर बंद किया और उसके बाद ये ट्रांजिस्टर को मैंने शॉर्ट कर दिया, बीच वाला देख लीजिए, ट्रांजिस्टर का मैंने बीच वाला और वो ए मीटर और बीच वाला कलेक्टर शॉर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब तो पावर ऑन करते हैं, देखो कितना वोल्ट सप्लाई शो कर रहा है, 31 वोल्ट, ठीक है। देखिए 31 वोल्ट पूरा पावर सप्लाई शो करने लग गया। और आपको पता ही है इसको ऑन करने के लिए क्या करना है, जिस पे 4 वोल्ट सप्लाई और ऑन का रहेगा इनेबल EN और 4 वोल्ट, वो शॉर्ट कर देना है, जिससे आपकी पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। और जब आपको 32 वोल्ट वगैरह सब बनने लगेगा, आप यहाँ पे देख लेंगे 32 वोल्ट, परफेक्ट 31 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। सेम पावर सप्लाई ज़्यादातर सेम ही आता है सब में, यहाँ पे एसटीआर भी ख़राब रहेगा तो भी सप्लाई नहीं आएगा, लेकिन आप वो चेक करके, जैसे आप एसटीआर डालने से पहले आप वो अगर वो ट्रांजिस्टर शॉर्ट करके आप एक टाइप दोनों साइड पे 20 आएगा, और ए मीटर और बेस पे 20 वोल्ट आता है, कलेक्टर पे सप्लाई नहीं आती है, लेकिन कलेक्टर भी अगर शॉर्ट कर देंगे तो 32 वोल्ट बनने लगे, आप देख लीजिए। और मैं अभी फ़िलहाल इसमें, मेरे को इसमें ही लगाना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ लगा के, साउंड आया कि नहीं या 16 वोल्ट आया कि नहीं, क्योंकि 32 वोल्ट नहीं आ रहा था, इसकी वजह से वो साउंड सप्लाई एक भी नहीं आ रही, मैं लगा के आपको वो भी चेक करा देता हूँ। तो आप देखिए उसमें 31 वोल्ट वहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद इधर भी सप्लाई 15 वोल्ट, आप देख लीजिए 15 वोल्ट, मेल फीमेल का। तो गाइस आप देख लीजिए, इसको मैंने रखा है वीडियो पे, ठीक है, टीवी वीडियो पे रखा है, और समझ लो मैंने ये इसके टीवी वीडियो में डालूँगा पीछे, तो इसमें आवाज़ आएगा, एक हमिंग टाइप आएगा कि साउंड आ गया है करके, देखिए तो एकदम परफेक्ट हो गया है। 32 वोल्ट बनाने के लिए आपको मैं बता भी दिया है, 556 के भी है, और ये सीकर राजस्थान से पीस था, मैं बाहर रखा है आज ही, मैंने इसका पावर सप्लाई ख़राब था तो वो मैंने, उसका तो हुआ नहीं, दूसरा पावर सप्लाई मेरे पास था उसमें 32 वोल्ट नहीं आ रहा था, ये इनका पावर सप्लाई है, मैंने रिपेयरिंग किया हुआ है पूरा सब,
एसटीआर वगैरह सब चेंज करके देखा हुआ है बट हुआ नहीं। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच गाइस।